रंगमंच पर गालिब निर्देशक सईद की नजर से बरेली आज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में गालिब को कैसा महसूस होगा? विषय पर नाटक करने आए डॉक्टर एम सईद आलम ने प्रेस को बताया कि उन्होंने लगभग 40 नाटकों का निर्देशन किया है और लगभग 30 नाटक उनके द्वारा लिखित है। दिल्ली से लेकर पूरे भारत में अपने नाटकों के लिए लगभग 2000 से ज्यादा शो किए हैं। इनमें से कुछ के नाटकों के शो विदेशों में भी हुए हैं। इनके जो नाटक मकबूल हुए हैं उनमें से मौलाना आजाद, गालिब दिल्ली में, बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है, लाल किले का आखिरी मुशायरा, मिर्जा गालिब के जीवन और शायरी पर आधारित सईद साहब ने 5 नाटक लिखे हैं, गालिब, गालिब इन न्यू दिल्ली, गालिब के खतूत, लाल किले का आखिरी मुशायरा, गालिब और कोलकाता। सईद साहब हॉकी के शानदार प्लेयर भी रहे हैं। रोहतक यूनिवर्सिटी में सईद साहब लेक्चरर भी रहे हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी में आप 7 साल पत्रकार भी रहे। अब 1994 से सिर्फ नाटकों को ही इस दुनिया में व्यस्त है। बरेली में रिद्धिमा ऑडिटोरियम में गालिब इन न्यू दिल्ली लेकर आए हैं, जिसका विषय यदि आज गालिब पुनर्जन्म लेकर दिल्ली में आ जाए तो आज की राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में गालिब को कैसा महसूस होगा और गालिब किस तरह से आज के माहौल में वावस्ता होंगे। ये नाटक एक स्टायर है। प्रख्यात साहित्यकार और रंग कर्मी डॉक्टर राजेश शर्मा ने डॉक्टर सईद को प्रेस से मुखातिब कराया। COVID-19 से फ्रीडम पाने के लिए वैक्सीन लगवाएं। पुराना शहर के बजरिया इनायतगंज स्थित बरेली हज सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हाजी साहेब रजा खान के कैंप कार्यालय पर लगे वैक्सीनेशन कैंप में 201 लोगों ने टीकाकरण कराया। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, इसलिए कोशिश करके अलग अलग इलाकों में शिविर लगवाए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। यदि कोरोना से आजादी पाना है तो सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। अपने देश व शहर को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, जिसमें हाजी साकिब रजा खान, निक्की वर्मा, सरवत जहां, मेगा, मनु सक्सेना, शाहिद रजा नूरी, वासिफुल्ला खान, मुन्ना आसिम खान आदि का विशेष सहयोग रहा। थाना फतेहगंज पश्चिमी में पेट्रोल पंप मालिक के साथ लूट की घटना का हुआ खुलासा। पिछले दिनों थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोल पंप मालिक जब अपने घर से जा रहा था तो उसके पीछे से आए 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को रोककर उसके साथ मारपीट की और पैसा लेकर चंपत हो गए। इस खबर को पूरे जिले में खलबली मच गई, जिसको देखते हुए बरेली के SSP रोहित सिंह सजवाड़ के नेतृत्व में SOG टीम व पुलिस की टीमें क्षेत्र में लगाई गई। बरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस टीम ने 4 बदमाशों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उनके पास से लूटी हुई रकम 70,000, मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामद किया गया है। इसका खुलासा करते हुए SSP रोहित सजवार ने बताया कि इन 4 आरोपितों को गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जो 7 अगस्त को एक पेट्रोल पंप मालिक के साथ एक घटना हो गई थी, उसमें उनके 70,000 रुपए के आसपास 3 मोटरसाइकिल व्यक्तियों के द्वारा ले लिया गया और इस प्रकरण में 247/21 धारा 392/34 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 70,000 रुपये बरामद किए गए और घटना में प्रमुख जो मोटरसाइकिल है और जो अवैध शस्त्र है वो भी बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में 3 चारों ही व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी ने मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। बिजली विभाग में पिछले काफी समय से संविदा पर सैकड़ों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर उन लोगों ने काफी बार अधिकारियों से इस बात के लिए अवगत कराया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब तक सफर से लाचार होकर संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को सर्किट हाउस के सामने बिजली के मुख्यालय कार्यालय पर इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेता ने बताया कि सरकार हम लोगों से 24 घंटे लेती है, लेकिन हम लोगों को कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं देती है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से दक्षिणांचल उपाध्यक्ष रण बहादुर सिंह यादव, क्या मांगे आप? हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से विद्युत विभाग में कार्य कर रहे हैं, जिसमें संविदा शर्तों के अनुरूप हमें स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा उपकरण मिलना चाहिए, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, खंड के सक्षम अधिकारी द्वारा हमें परिचय पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, लेकिन दबाव बना करके बिना सुरक्षा उपकरण के संविदा कर्मियों को खंभे में चढ़ाकर जान से मारने का काम किया जा रहा है। प्रबंधन के स्पष्ट आदेश हैं कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग 2-2 माह तक वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ESI कार्ड न होने के कारण 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी पाने वाला संविदा कर्मी इलाज के अभाव में या तो दम तोड़ रहा है, यदि वो जिंदा बच रहा है तो अपना घर जमीन बेचकर अपना इलाज करा रहा है। ये हमें ESI कार्ड नहीं दे रहे हैं, समय से वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है, EPF की कोई KYC नहीं कराई जा रही है और साथ ही
श्रम विभाग की लागू योजनाओं का हम संविदा मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संविदाकार वहां पर हमारे कार्ड रिन्यूअल नहीं करा रहा है और न कार्ड बनवा रहा है, जिसके चलते श्रम विभाग की 5 लाख की योजनाओं से हम लोग व्यथित हैं। समय समय पर हमने कई बार प्रार्थना पत्र यहाँ के लोगों ने दिया, उच्च अधिकारियों को दिया, लेकिन निस्तारण न होने के कारण आज हमें धरने में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यदि हमारी मांगे नई अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता द्वारा मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे, जिसकी औद्योगिक अशांति के लिए ये मुख्य अभियंता यहाँ के जिम्मेदार होंगे। और इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो 7 तारीख को इको गार्डन में इन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निप्टा संघ कर्मचारी संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहा है। आज महान दल की जन आक्रोश यात्रा का आगमन बरेली में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य रहे। बरेली आगमन पर जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने जिले के पदाधिकारियों के साथ फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत किया। कुंद्रा कोठी पर यात्रा का भव्य स्वागत पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने अपने समर्थकों के साथ किया। तत्पश्चात विभिन्न स्थानों पर यात्रा का स्वागत हुआ। यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष मेवाती वसीम चौधरी ने भी यात्रा का स्वागत किया। शहीद अनिल द्वार पर महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने अपनी कमेटी के व पार्षद मोहित यादव के साथ स्वागत किया। स्वागत का क्रम शालिनी सिंह, खालिद खान, हसीब खान, वैभव गंगवार, गोविंद सैनी, असीम सुल्तानी, अहमद खान, टीटू मोहम्मद, अशफाक, विशाल कश्यप, गोपाल कश्यप, इस्नाफील राशमी, अंकित मौर्य, आदेश यादव एवं मावला विधानसभा में कई स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। केशव देव मौर्य ने कहा कि भाजपा की सरकारों के खिलाफ जनाक्रोश अब सड़कों पर आम जनमानस में साफ दिखाई दे रहा है। केशव देव मौर्य ने कहा कि महान दल ने ठाना है कि 2022 में अखिलेश यादव सरकार को लाना है। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, अताउर रहमान, सत्येंद्र यादव, गौरव सक्सेना, रविंद्र यादव आदि प्रमुख नेतागण मौजूद रहे। देखिए, महान दल के द्वारा एक जन का आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो कल पीलीभीत के बिशनपुर चीनी मिल से शुरू हुई थी। कल शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास किया। जो यात्रा में बहुत सारे वाहन शामिल थे उनको उन पर जो है मुकदमा लगाया, हम सब लोगों पर मुकदमा लगाया और इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। महान दल जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हैं, वो लगातार इस यात्रा को चला रहे हैं और जो जनता में आक्रोश व्याप्त है उस आक्रोश को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? देखिए, आज यात्रा जो हमारी है जो शुरू हुई है पीलीभीत से ही शुरू हुई है और आंवला के एक जगह पर जाकर खत्म होगी। बीच में जो बहेड़ी और तमाम जगह विधानसभाएं जो बरेली की हैं, तमाम जगहों पर लगातार स्वागत हो रहा है और बरेली के जिलाध्यक्ष द्वारा, महानगर अध्यक्ष द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की ओर से इसका स्वागत किया गया और महान दल के जो खुद के उनके कार्यकर्ता नेता हैं और बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं वो भी हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आम जन समर्थन और जनता का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, इस जन आक्रोश यात्रा को मिल रहा है। आपका पद और आपका नाम? मेरा नाम दिग्विजय सिंह देव है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी के दिशा निर्देशन पर यह यात्रा का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जो महान दल के नेतृत्व में चल रही है।